एबीपीएस न्यूज़। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती सिंह और आज आपके लिए ले आई हूं वो बड़ी खबरें जो प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी। तो आइए आपको ले चलते हैं अमर उजाले के पहले पेज पर, जहां इन्होंने बहुत बड़ी खबर छापी है। तो आइए चलते हैं अमर उजाले के पहले पेज पर। तो सबसे बड़ी खबर इन्होंने ये छापी है, कुत्तों के हमले में मृत बच्चों के आश्रितों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। जिला अस्पताल में आदमखोर कुत्ते के हमले से जख्मी बच्चों का हालचाल पूछते स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ जी स्वयं पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों से मिलकर पूछताछ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सीतापुर में कुत्तों के हमले में घायल मासूम मृत बच्चों के परिवारों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया है और कहा है कि उन्हें पूरी मदद दी जाएगी और बताया गया है उनको दो लाख उनको दिया जाएगा, घायलों को 25,000 रुपए की मदद की जाएगी। वहीं दूसरी खबर आई है मौसम विभाग से, प्रदेश में कल से फिर बिगड़ सकता है मौसम। शासन ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में 13 और 14 को देवी आपदा को लेकर अलर्ट जारी किया है। सचिव एवं राहत आयुक्त संजय कुमार ने बताया है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जनपदों में 13 व 14 मई को ओलावृष्टि आंधी तूफान में आकाशीय बिजली गिराने की संभावना बताई है। 13 और 14 को लेकर आंधी तूफान का अलर्ट लोगों ने जारी कर दिया है। वही समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, बने रहिए एबीपीएस न्यूज़ के साथ। एबीपीएस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक ट्विटर Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप हिंदुस्तान की ओर, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी खबर छापी है, ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ मेजर गिरफ्तार। एक और तो देश के जवान महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे खुद ही महिला से छेड़छाड़ करते हैं। आइए पढ़ते हैं इस खबर को। देहरादून से हावड़ा से जा रही ट्रेन एक्सप्रेस में शुक्रवार की सुबह नजीमाबाद के पास ऐसी कोच में सेना के एक मेयर ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिससे कि वह बहुत ही गंभीर हालत में है। महिला का कहना है कि शोर शराबा सुनकर कोच में सवार अन्य यात्री पहुंच गए और आरोपी मेजर को पकड़कर जमकर पीटा। मंत्री को ट्वीट कर दिया गया। इसके बाद मुरादाबाद में आरपीएफ जीआरपी आरोपी को हिरासत में ले लिया। बरेली जीआरपी को हमले की तहरीर की दी गई, लेकिन बाद में महिला ने कार्रवाई को मना कर दिया। आरोपी को रेलवे कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो वही दूसरी ओर एक बहुत बड़ी खबर आई है, चंदौसी में पुलिस चौकी में किशोरी के उतरवा दिए गए हैं कपड़े। सहेली के गायब होने की वह रिपोर्ट कराने गई थी, परंतु वहां के कोतवाली बुलाई गई छात्रा को चौकी पर निवस्त्र कराने का आरोप लगाया गया। पीड़ित के पिता ने कोतवाली में सीओ से आरोपी दरोगा व 2 सिपाहियों की शिकायत कराई गई है। आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए छात्रों को चौकी बुलाया था। छात्रा ने गायब युवती के बारे में रिपोर्ट लिखवाई थी, जानकारी होने से इनकार कर दिया। पीड़ित के पिता ने कोतवाली में सीओ से आरोपी दरोगा व 2 सिपाहियों की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए छात्रा को चौकी बुलाया। छात्रा की ने गायब युवती के बारे में किसी भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। आरोप है कि कोतवाली क्षेत्र के चौकी इंचार्ज ने पिस्तौल दिखाकर आतंकित किया है कि कपड़े उतारने के लिए कहा। युवती ने विरोध किया तो आरोपी दरोगा ने दुष्कर्म करने की धमकी दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और एबीपीएस न्यूज में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक ट्विटर Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें।